नमस्कार, मैं हूँ साधना। आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। स्वच्छता अभियान को पलीता लगाते सफाई कर्मचारी व अधिकारी, क्यों गंदगी में रहने को मजबूर लोग। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के हिलौली क्षेत्र से है, जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार गांवों से गंदगी दूर करना चाहती है, वहीं सफाई कर्मचारी की मनमानी के चलते गांव की नालियां बजबजाती हुई दिखी। हिलौली ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सगौली में गंदगी सूंघने को मजबूर लोग। सगौली गांव में सफाई को लेकर देखने को मिला सौतेला व्यवहार। सगौली आधे गांव में सफाई होती है, नालियां साफ होती हैं, मगर उसी जगह पश्चिम टोला मोहल्ला में लोगों ने बताया कि महीनों से नालियां साफ नहीं हुई हैं। अगर कभी साफ होती हैं, तो कूड़ा करकट निकाल कर घरों के सामने लगा दिया जाता है और नाली से निकला हुआ कूड़ा महीनों कोई उठाने नहीं आता, फिर वही कूड़ा नाली में गिरकर इकट्ठा हो जाता है। नाली का गंदा पानी सड़क पर भर जाता, लोग गंदगी मचा कर जाने को मजबूर हो जाते। कभी कभी तो खुद नाली साफ करनी पड़ती है, निकलने के लिए रास्ता दूभर हो जाता है। दो तीन महीने में अगर नाली साफ हुई तो कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं है। सफाई कर्मचारियों की मनमानी देखने को मिलती है। पासी टोला के लोगों ने बताया कि हम लोग बहुत बुरा परेशान है, नालियों का पानी सड़क में बह रहा है। जो भी सफाई कर्मचारी आता है वह ढंग से बात नहीं करता, न ही नाली साफ करता है। उन्नाव से युवा तक भारत समाचार के लिए गौरी शंकर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? मनोज। ये कौन सा मोहल्ला है? पासिन टोला है। गांव का नाम? सगौली। क्या कोई सफाई कर्मचारी कभी नाली साफ करने के लिए आते हैं? आते हैं, बोलो दो तीन महीने में आते हैं, लगा जाते हैं, मोहरा के सामने फेंकने नहीं आते हैं। हम मतलब लोग फेंकते हैं नाली का जितना मतलब कूड़ा करकट है तो आपके दरवाजे लगा देते हैं, और कई महीने बाद फेंकने के लिए आते हैं? आते हैं नहीं फेंकने। फेंकने आते नहीं? आते नहीं, हम लोग खुद ही फेंकते हैं। आप लोग खुद ही फेंकते हैं? मोहरक सामने लगा जाते, थोड़ा थोड़ा द्वार है तो कहाँ जाएंगे। सही है, इतना आपका निकलने का रास्ता है, इसमें लगा देते हैं कूड़ा। रास्ता है मेरे पास निकलने। अच्छा, यही बस निकलने का रास्ता है? बस देख लो, ऐसे सामने लगा जाते तो हम लोग खुद फेंकेंगे, निकलेंगे कैसे। कभी कोई नाली सफाई करने आता है यहाँ पर? भैया बता तो रहा, कहा निकाल के चले जाओ तो कहा दो महीना, कहा एक महीना बाद झिके हमें नाली। नालियों में जो गंदगी भरी है, पानी भरा हुआ है, कितने दिनों से नहीं आए कोई सफाई कर्मचारी? तीन महीना हो गई, बताओ ये इतना आवत है।